ये आइलैंड जिसका साइज लगभग 36,197 स्क्वायर किलोमीटर है और जिस पर रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन लगभग 2.36 करोड़ है। आज इस आइलैंड पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस आइलैंड की वजह से अमेरिका और चाइना जैसे पावरफुल देश एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार है। अगर चाइना बोल रहा है कि वो इस आइलैंड को चाइना के साथ रीयूनिफाई करेगा तो अमेरिका बोल रहा है कि तू करके तो दिखा। मैं बात कर रहा हूँ ताइवान के बारे में और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अमेरिका, चाइना और ताइवान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हफ्ते पहले चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई और शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर जो बाइडेन से कहा कि आग के साथ मत खेलो। यानी शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को ये वार्निंग दी कि अगर तुम ताइवान के साथ ज्यादा रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। अब अमेरिका तो सुपर पावर है, वो ऐसी बात को कैसे सुन लेता। इसलिए अमेरिका ने यह फैसला लिया कि वो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी को जल्द ही ताइवान भेजेंगे। अमेरिका के इस फैसले को सुनकर चाइना वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान में आएंगी तो चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, चाइना की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएंगे और इससे चाइना और अमेरिका के रिलेशंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन चाइना की इतनी सारी वार्निंग्स देने के बाद भी 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और पूरी दुनिया को और स्पेशली चाइना को ये मैसेज दिया कि अमेरिका डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। एंड नाउ मोर देन एवर America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. When we travel and leave the country, और ये वो टाइम था जिस टाइम वॉर होने का खतरा सबसे ज्यादा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और नैन्सी पेलोसी वापस अमेरिका चली गई। लेकिन उसके बाद चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स करनी शुरू कर दी जो कि अब तक करी जा रही है और ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा करी जा रही है। और चाइना ने ताइवान के 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर चाइना को ताइवान के साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले 17th सेंचुरी में ये आइलैंड मतलब ताइवान चाइना के कंट्रोल में आया था, लेकिन 1895 में जब साइनो जापानीज वॉर हुई तो ये आइलैंड जापान के कंट्रोल में चला गया। इसके बाद फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जापान की हार हुई तो दोबारा से इस आइलैंड पर चाइना ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर चाइना में सिविल वॉर की स्टार्टिंग हुई और ये वॉर डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली दो चाइनीज पार्टीज के बीच थी, यानी नेशनलिस्ट पार्टी जो कि शेंग के शेक के द्वारा चलाई जा रही थी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि माओ ज़ेडोंग के द्वारा चलाई जा रही थी। अभी सिविल वॉर में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और जो नेशनलिस्ट पार्टी के सर्वाइवर थे वो चाइना को छोड़कर इस आइलैंड पर चले गए जिसको आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के टाइम पर चाइना के प्रेसिडेंट का कहना यह है कि वो ताइवान को चाइना के साथ रीयूनिफाई करेंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ताइवान तो कभी अलग देश था ही नहीं, इस पर तो हमारा ही कंट्रोल था, हमारे यहाँ से हारे हुए नेशनलिस्ट ही तो इस आइलैंड पर गए थे, फिर ये हमसे अलग कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर ताइवान वाले भी इसी पॉइंट को आगे रखकर ये बोल रहे हैं कि जब सिविल वॉर में नेशनलिस्ट की हार हुई थी तो वो चाइना को छोड़कर यहाँ इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पर नेशनलिज्म की स्थापना करी थी और खुद से ग्रो करना शुरू करा था। इसलिए हमारा मॉडर्न चाइना के साथ कोई लेना देना नहीं है, चाइनीज कम्युनिस्ट हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर अमेरिका ताइवान के साथ रिलेशंस रखता भी है तो उससे चाइना को क्या प्रॉब्लम हुई। चाइना ताइवान पर सिर्फ इसीलिए नहीं कंट्रोल करना चाहता क्योंकि वो उसको अपना हिस्सा मानता है, नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अमेरिका और ताइवान के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका तो सुपर पावर है और दूसरी ओर चाइना भी अपने आप को सुपर पावर बनाने की ओर लेकर जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने मिलिट्री पर कितना ज्यादा खर्चा करा है, ये एक से एक खतरनाक और बेहतरीन वेपन्स बना रहे हैं। अब इनके ऊपर अमेरिका की भी नजर है और चाइना को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि चाइना ने अमेरिका को बोला था वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, मतलब पूरी दुनिया में एक ही चाइना है, ताइवान चाइना से अलग नहीं है, इसको चाइना का ही हिस्सा माना जाए और अमेरिका ने इस पॉलिसी को मान लिया था और अब भी मानता है। लेकिन साथ ही में अमेरिका ने ताइवान के साथ रिलेशंस बिल्ड करने शुरू कर दिए थे और ताइवान को पावरफुल बनाने के लिए वेपन्स बेचना और ट्रेनिंग देना ये सब कुछ शुरू कर दिया था। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। पूरी दुनिया की एटलीस्ट 80 कंट्रीज में अमेरिका के लगभग 750 मिलिट्री बेसेस हैं, लेकिन चाइना के आसपास अमेरिका का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है। अब चाइना को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर ताइवान में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी
तो अमेरिका अपने वेपन्स को या फिर मिलिट्री कैंप्स को ताइवान में प्लेस कर सकता है और फिर हमारे ऊपर प्रेशर बना सकता है। इसलिए एक रीजन ये है कि चाइना ताइवान में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को अच्छा नहीं समझ रहा है और एक तरह से चाइना की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा खतरा समझ रहा है। और ऐसा सिनेरियो या फिर एग्जांपल हमारे पास पहले से ही मौजूद है और वो है रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर का मेन रीजन क्या था? इस वॉर का मेन रीजन यही था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था और पुतिन को इनसिक्योरिटी फील हुई कि अगर ये नेटो का मेंबर बन जाता है फिर तो अमेरिका रशिया के इतने पास यूक्रेन में अपने वेपन्स को प्लेस कर सकता है, इसलिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करा था। अब दोस्तों ऐसा क्यों है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला करा था तब तो अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया था, लेकिन अब जब चाइना ताइवान को वार्निंग्स दे रहा है या फिर ताइवान को अपने साथ रीयूनिफाई करने के लिए हमले की तैयारी कर रहा है तो अमेरिका ये साफ स्टेटमेंट दे रहा है कि डोंट वरी ताइवान, वी आर विद यू। अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो ये ताइवान एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ये देखने में तो छोटा है पर ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। चलिए इस बात को समझते हैं। पिछले 20 सालों में ताइवान ने काफी ग्रोथ करी है। ताइवान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2,40,00,000 है, लेकिन 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग ताइवान की इकोनॉमी $775 बिलियन की हो चुकी है। मतलब ताइवान की इकोनॉमी पूरी दुनिया में 22nd नंबर पर रैंक कर रही है और इनकी पर कैपिटल जीडीपी $68,000 से भी ज्यादा है, यानी चाइना से 3 गुना ज्यादा। इसके अलावा ताइवान चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका का 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन काफी हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 13 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो कि ताइवान को एज अ डिफरेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं, मतलब इसको चाइना से अलग मानती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसी क्या चीज है ताइवान के पास जो कि इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका इस छोटे से आइलैंड के लिए चाइना से लड़ने के लिए तैयार है। तो इसका मेन रीजन है सेमीकंडक्टर चिप्स। ज्यादातर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं उन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करा जाता है, जैसे कि आपका सेल फोन, टीवी, आपका पर्सनल कंप्यूटर, वो कैमरा जिसमें अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इसके अलावा एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल्स वगैरह, इन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करा जाता है। और पूरी दुनिया की लगभग 54% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनाई जाती है। जो सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनाई जाती है उनको बनाने की प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। अदरवाइज चाइना जैसा देश जो कि कॉपी करने में सबसे आगे रहता है वो इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने से पीछे कैसे रह जाता? इसलिए सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में ताइवान को रिप्लेस करना किसी भी कंट्री के लिए आसान नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं ताइवान स्ट्रेट के बारे में। चाइना और ताइवान के बीच जो ये वाला एरिया है ये है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस ये है कि लगभग 90% जो भी प्रोडक्ट्स चाइना, जापान और कोरिया से शिप्स के जरिए एशिया, मिडिल एशिया और इंडिया में एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करे जाते हैं वो इसी ताइवान स्ट्रेट के जरिए करे जाते हैं। अब अगर चाइना ताइवान को अपने साथ रीयूनिफाई कर लेता है तो जो ट्रेड इस स्ट्रेट के थ्रू करा जाता है उस पर चाइना का कंट्रोल आ जाएगा, और वैसे भी चाइनीज इकोनॉमी तो टोटली एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करती है, इसलिए चाइना को इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल करने के लिए ताइवान को अपने साथ रीयूनिफाई करना ही पड़ेगा। चाइना ताइवान पर कंट्रोल करके एक तीर से 3 निशाने लगाना चाहता है। पहला अपनी इकोनॉमी और जीडीपी को बूस्ट करना, दूसरा सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट को कैप्चर करके पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना, और तीसरा अपने 5th बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ताइवान को खत्म करना। और अगर चाइना ये करने में कामयाब हो जाता है तो चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, इसीलिए अमेरिका चाइना को लेकर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। और यूक्रेन के कंपैरिजन में अमेरिका ताइवान को सेफ रखने के लिए चाइना से डायरेक्ट दुश्मनी ले रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ताइवान के कंपैरिजन में चाइनीज मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है और अगर हम ताइवान का साथ नहीं देंगे तो ताइवान चाइना से अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर इन केस चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तो उससे मार्केट्स और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। आपने न्यूज में देखा ही होगा कि कैसे जो रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ रहा है, स्पेशली यूरोप में। काफी सारी कंट्रीज में फूड की शॉर्टेज देखने को मिली, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो गए, और एस्टिमेट है कि अगर ये सब कुछ ऐसे चलता रहा तो आने वाले टाइम में ये कंडीशन और भी ज्यादा बुरी होगी, जिसकी वजह से यूरोप में रिसेशन हो सकता है और यूनाइटेड स्टेट और बहुत सारे बाकी देशों की इकोनॉमी कमजोर हो सकती है। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना और ताइवान यूक्रेन और रशिया के मुकाबले काफी ज्यादा आगे हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सभी देशों की इकोनॉमी के साथ बहुत अच्छी तरह से लिंक है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका के साथ।
फॉर एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन वॉर से पहले अमेरिका रशिया के साथ $36 बिलियन पर ईयर का ट्रेड करता था और यूक्रेन के साथ $4 बिलियन का, मतलब टोटल $40 बिलियन। अब अगर हम बात करें चाइना की, तो अमेरिका चाइना के साथ पर ईयर $656 बिलियन का ट्रेड करता है और ताइवान के साथ $114 बिलियन का। यानी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो जितना ट्रेड अमेरिका रशिया और यूक्रेन के साथ करता है उससे 10 गुना ज्यादा ट्रेड अमेरिका चाइना और ताइवान के साथ करता है। अगर चाइना की अमेरिका के साथ वॉर होती है तो उसका बुरा इफेक्ट सभी देशों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना लगभग सभी देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। इसलिए चाइना की इम्पोर्टेंस आप इस डाटा को देखकर समझाओगे। यहाँ पर बताया गया है कि चाइना के द्वारा कितने डॉलर्स का ट्रेड किस देश के साथ करा जाता है और ये डाटा 2021 का है। अब अमेरिका की चाइना के साथ वॉर होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में तो बहुत सारी अजम्पशंस हैं, लेकिन अगर हुई तो ना ही ये अमेरिका के लिए अच्छा होगा और ना ही चाइना के लिए। ये भी हो सकता है कि चाइना अमेरिका के साथ डायरेक्ट वॉर ना करके बल्कि ताइवान पर साइबर अटैक्स करने शुरू कर दे और अपनी मिलिट्री ड्रिल्स को ऐसे ही कंटिन्यू रखे। ये भी 100% श्योर नहीं है कि आने वाले टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट ताइवान के लिए अपने देश के हजारों सोल्जर्स की जान को खतरे में डालें या फिर ना डालें। लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग साइन मिला नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि चाइना ताइवान पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। हालांकि ताइवान में रहने वाले बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि चाइना का तो ये काम ही है, वो तो हर साल हमें धमकियां देता है पर वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये बात लगे कि रशिया यूक्रेन वॉर होने से पहले बहुत सारे एनालिस्ट्स ने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने पूरी दुनिया को ही गलत साबित कर दिया। इसलिए फ्यूचर में क्या होगा या फिर नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।